बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन की हम लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 3.8 है। और एक्सरसाइज 3.8 का ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, अब हम पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। मतलब कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, उसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ये हम इसके इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देख चुके हैं इस टॉपिक के। ठीक है, तो उसी की मदद से हम सॉल्व करेंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन की इक्वेशन आएगी। वो कैसे आएगी? सबसे पहले तो हम जो है देखते हैं कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, मतलब कि सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं है। तो सेपरेबल फॉर्म क्या होती है ये हम पहले बता चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैं पहले कहूँगा कि वो आप पहले वो कवर करें, ठीक है, वो देखें वीडियो, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि सेपरेबल फॉर्म क्या है। इसमें भी मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ कि सेपरेबल फॉर्म ये होती है कि y का फंक्शन या y टर्म जो है, ठीक है, उसके साथ dy होना चाहिए और x के फंक्शन के साथ dx होना चाहिए, या फिर dx अकेला हो या फिर dy अकेला हो। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर देखें माइनस y यहाँ पर आपको टर्म नजर आ रही है, इसके साथ dy होना चाहिए। यहाँ पर dy तो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है, तो इसको हम किस तरह से मतलब कि एक साथ करें, कोई ना कोई यानी कि आप टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तब जाके डी वाई और वाई एक साथ होंगे और डी एक्स और एक्स के फंक्शन या एक्स टर्म जो है वो एक साथ होगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एक्स तो चलें यहाँ पर है ही नहीं, हमें डी एक्स तो अलहदा बस करना है डी वाई से, ठीक है, और डी वाई के साथ हमने वाई लेकर आना है। ऐसा करते हैं कि डी वाई को इस साइड पर रहने देते हैं, लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं, और मैं माइनस वाई के साथ जाकर इसको डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लेकिन अभी क्या हो गया कि वाई के साथ तो डी वाई होना चाहिए, यहाँ पर डी एक्स है, ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम इस वाई को लेफ्ट साइड पर ले जा सकते हैं। मतलब कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना डी एक्स के साथ, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, मतलब कि वन ओवर वाई डी वाई बन जाएगा, वन ओवर वाई डी वाई, और यहाँ पर अकेला डी एक्स बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब ये हम सेपरेट कर चुके हैं y के फंक्शन को और x के फंक्शन, यहाँ पर x होता तो हम वो dx के साथ लिखते, यहाँ पर x ही नहीं है तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि उसको हम किस तरह से मतलब कोई टेक्निक अप्लाई करके सेपरेट करें y के साथ या dy के साथ। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, उसके बाद ये अब सेपरेबल फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। जब सेपरेबल फॉर्म हमारे पास बन जाती है, उसके बाद हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलें इंटीग्रेट। अच्छा, उससे पहले कि यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन जो है वो मिस कर दिए, यहीं पर हम नेगेटिव साइन लिखा रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसका इंटीग्रल फाइंड कर लेना है बोथ साइड्स का। तो चलें हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रेट कर देते हैं, वन ओवर वाई डी वाई को, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी इंटीग्रल माइनस डी एक्स। आगे मजीद इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन क्या होगी, वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हम कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे आप देखें तो फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, यानी कि वाई का अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वाई तो उसका डेरिवेटिव बन आता है जो कि न्यूमरेटर में ऑलरेडी मौजूद है। मतलब कि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो ये नेचर लॉग ऑफ फंक्शन के इक्वल आता है इसकी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो नेचर लॉग ऑफ फंक्शन क्या है, यहाँ पर वाई है, नेचर लॉग ऑफ वाई, उसके बाद राइट साइड पे भी इंटीग्रेट करते हैं हम। राइट साइड पे क्या है हमारे पास, राइट साइड पे है माइनस, चले माइनस को हम बाहर ले आते हैं, माइनस वन डी एक्स बच गया। ठीक है, तो वन का इंटीग्रल क्या होता है या वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है, तो नेगेटिव साइन ऑलरेडी मौजूद है, माइनस एक्स
उसके अलावा हमने ये फाइंड किया है इनडेफिनेट इंटीग्रल, तो साथ में हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे यानी कि प्लस सी कर देंगे, या फिर आप इसे कह सकते हैं सी वन कह दें, ठीक है चले हम इसको सी वन कह देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है, जो कि जिसको हम जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अब हम इसको मजीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। इसको मैं सिंपलीफाई कैसे कर सकता हूँ देखते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ कि इसको नेचुरल लॉग ऑफ वाई रहने देता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ वाई, इस साइड में मैं लॉग बनाता हूँ, ठीक है, यानी कि माइनस एक्स प्लस सी वन है, इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ ई। नेचुरल लॉग ऑफ ई किसी के साथ भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई की वैल्यू होती है वन के इक्वल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेचुरल लॉग ऑफ ई इज इक्वल टू वन होता है, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कहीं पे भी मल्टीप्लाई की जा सकती है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ऑफ ई इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखें आप कि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग से पहले जो कुछ लिखा हो, ठीक है, जिसका लॉग लिया जा रहा हो उसकी पावर में आ जाता है। मतलब कि हम अगर एग्जाम्पल देखें तो टू लॉग 4 की बात करूं, तो ये 4 स्क्वायर लॉग ऑफ 4 स्क्वायर मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ई की पावर ये बन जाएगा ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन, ठीक है, लॉग ऑफ ई पावर माइनस एक्स प्लस सी वन, और लेफ्ट साइड पे भी लॉग है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं ये लॉग खत्म करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों साइड्स पे लॉग है तो लॉग एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब कि ये लॉग जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब दोनों साइड में लॉग से डिवाइड करूं तो ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स प्लस सी वन। अच्छा, अब हम एक और काम कर लेते हैं, मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट, मतलब कि एक आपके पास बेस है उसके ऊपर पावर का सम हो रहा है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं ई पावर माइनस एक्स इंटू ई पावर सी वन, ठीक है। अगर वापस मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ई पावर माइनस एक्स और ई पावर सी वन को, तो ये दोबारा ये बन जाता है, मतलब कि पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं जब दो सेम बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख दिया ई पावर सी वन क्या होता है, ई पावर सी वन, सी वन एक कांस्टेंट है, और ई की पावर अगर कोई कांस्टेंट हो तो तब भी हमारे पास रिजल्ट में कांस्टेंट ही आता है, तो हम इसे कहते हैं कि ये सी है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, क्योंकि सी वन की वैल्यू नहीं पता तो ई पावर सी वन की वैल्यू भी नहीं पता, ये हमें पता है कि ये कांस्टेंट ही होगी कोई ना कोई वैल्यू, ठीक है। तो हम उसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कह देते हैं सी। उसके अलावा ई पावर माइनस एक्स जो है वो एज इट इज रहेगा, तो वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इंटू सी। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ चुका है हमारी गिवन इक्वेशन का, ठीक है, या फिर हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं सी पहले लिखा जाता होता है, ठीक है, वेरिएबल से y इज इक्वल टू सी ई रेस्ट पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया, इसको हम कहेंगे जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने सोल्यूशन ही फाइंड करना था, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी dy वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अच्छा, अब हम ये तो था क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत आसान है, ठीक है। उसमें हमें जो इक्वेशन गिवन है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ से देखें ये ऑलरेडी सेपरेबल फॉर्म में, क्या ये बाकी सेपरेबल फॉर्म में मौजूद है। सेपरेबल फॉर्म क्या होती है, सेपरेबल फॉर्म होती है एक्स की टर्म के साथ डी एक्स होना चाहिए, वाई की टर्म के साथ डी वाई होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा है, नहीं, यहाँ पर तो वाई के साथ डी एक्स है और एक्स के साथ डी वाई मौजूद है, ये तो ऑपोजिट केस है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि इसको किसी तरह से सॉल्व करके एक्स के साथ डी एक्स लाएंगे और वाई के साथ डी वाई लाएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, चले वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, मतलब ये टर्म यहाँ पर ऐड हो रही है, वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। उसके बाद हमने इस एक्स को इस साइड पे लेकर आना है, वाई को इस साइड पे लेके आना है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, वन ओवर एक्स डी एक्स बन गया, और ये वाई यहाँ पर आके वन ओवर वाई डी
डी वाई बन गया और ये नेगेटिव साइन साथ में। अच्छा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वाली टर्म जो है या एक्स का फंक्शन जो है उसके साथ अब डी एक्स मौजूद है, ठीक है, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं वाई के साथ डी वाई मौजूद है, ठीक है, या वाई के फंक्शन के साथ डी वाई मौजूद है। तो मतलब कि अब ये हमारी सेपरेबल फॉर्म बन चुकी है। जब सेपरेबल फॉर्म बन जाती है उसके बाद हम इंटीग्रल ले लेते हैं, ठीक है, पूरी इक्वेशन का। चले हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ माइनस साइन में पहले ही बाहर लिख देता हूँ 1 ओवर वाई डी वाई। अब क्या है कि 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस इसी तरह से आ जाएगा और 1 ओवर वाई डी वाई, पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था नेचुरल लॉग ऑफ वाई आता, नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस सी, ठीक है, मतलब कि हमने इंटीग्रेट कर दिया इंडेफिनेट इंटीग्रल को, तो प्लस सी साथ में हमने लिख दिया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि चले हम नेचुरल लॉग की दोनों टर्म्स मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू सी हम इसको लिख सकते हैं। मतलब कि मैंने इस टर्म को, ये यहाँ पर नेगेटिव थी, यहाँ पर आके इसके साथ ऐड होगी, ठीक है, यहाँ सेपरेट हो रही थी, वहाँ आकर लेफ्ट साइड पे आके ऐड होगी। अब ये लॉग मैंने किसी तरह से ख़त्म करना है, लॉग मैं क्या करूँ, किस तरह से ख़त्म करूँ, लॉग हम इस तरह ख़त्म कर सकते हैं, देखें सी कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें, मैं डेरिवेटिव बात कर रहा हूँ, नेचुरल लॉग लें, तो किसी भी कांस्टेंट का आप नेचुरल लॉग लें तो कांस्टेंट की वैल्यू आती है, तो यहाँ पर हमें सी की वैल्यू नहीं पता तो हम इसका नेचुरल लॉग ऑफ सी कह देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ सी, ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही होगी ना कोई वैल्यू, तो चले नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सी। अच्छा एक और प्रॉपर्टी आपने लॉग की पढ़ी होगी कि दो लॉग्स जब आपस में सम हो रहे हो तो हम इनको आपस में, यानी कि सिंगल लॉग लिखकर मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मतलब कि x इंटू वाई, लॉग ऑफ x इंटू वाई ये मैं लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी बन गया। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि ये लॉग जो है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो इक्वेशन आ गई एक्स वाई इज इक्वल टू सी, तो ये वो इक्वेशन है जिसको हम कहेंगे कि जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई आगे डिफरेंट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं, बाकी क्वेश्चंस हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x² इंटू वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू x² -1। अब यहाँ पर भी ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, एटलीस्ट एक डेरिवेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट वन डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए इक्वेशन में, तब जाके वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेपरेबल फॉर्म में होनी चाहिए इक्वेशन, तो ये तो अभी सेपरेबल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो हम इसको सेपरेबल फॉर्म में लेकर आएंगे, मतलब के जो हम y के साथ dy मौजूद होना चाहिए, या फिर y के फंक्शन के साथ dy मौजूद होना चाहिए और x के फंक्शन के साथ dx मौजूद होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो मैं x की टर्म को लेकर जाऊंगा राइट साइड पे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा x² -1 राइट साइड पे ऑलरेडी मौजूद है, x² यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इन टर्म्स के साथ, तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डिवाइडेड बाय x² बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे क्या बच गया 2y dy ओवर dx,
अब डी एक्स रह गया सेपरेट करने वाला, ठीक है, मतलब कि ये एक्स जो है डी एक्स वाली टर्म इसके साथ होनी चाहिए, इस एक्स की टर्म के साथ या एक्स के फंक्शन के साथ। तो हम ऐसे करते हैं कि इस ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड पे क्या रह गया, टू वाई डी वाई। अब ये सेपरेबल फॉर्म में आ चुके हैं, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो अब हम इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टू वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर और डी एक्स। सबसे पहले तो हम इसको चलें लेफ्ट साइड पे, तो हम इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। टू जो है कॉफिशियंट है बाहर आ जाएगा और वाई डी वाई इंटीग्रल के अंदर। और इसी तरह से आप यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करें, ठीक है, और वन को अलहदा से डिवाइड करें, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर इसके साथ भी इंटीग्रल साइन आएगा और डी एक्स आएगा, और माइनस इसके साथ भी इंटीग्रल साइन और डी एक्स, मतलब कि दो फंक्शन हैं तो दोनों एक्स स्क्वेयर से डिवाइड हो रहे थे, एक एक्स स्क्वेयर है एक वन है, दोनों एक्स स्क्वेयर से डिवाइड हो रहे हैं, उसको मैंने सेपरेट करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, अच्छा यहाँ पर मैंने एक्स डी एक्स लिख दिया गलती से, ये डी वाई है, आप ऊपर से देख सकते हैं। अब वाई का इंटीग्रल क्या होता है, वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू, क्योंकि साथ में वन मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम इसे कह सकते हैं कि पावर रूल यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर जो है, इस एक्स स्क्वेयर से जब कैंसिल होगा तो वन डी एक्स बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस मौजूद है, यहाँ माइनस लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। अब हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पावर रूल लगेगा, ठीक है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, माइनस वन बाय टू, और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है जो कि वन है, वन डी एक्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब कि इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, और लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, बल्कि इसमें से भी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट होके वाई स्क्वेयर यहाँ पर बचेगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स माइनस एक्स पावर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स पावर माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन। अब ये माइनस वन यहाँ अगर मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि नेगेटिव साइन है, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स प्लस, और इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, वन ओवर एक्स बन जाएगा। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, और साथ में हम इंटीग्रल फाइंड कर चुके हैं, तो साथ में सी भी लिखते जाते हैं, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने फाइंड किया है। तो यहाँ से ये हमारे पास यानी कि सोल्यूशन आ चुका है, जिसे हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे, दिस वन इज जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, और इसका लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, यानी कि जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है लास्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, जिसको हमें सॉल्व करना है, और वो इक्वेशन क्या है वो मैं लिखता हूं, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन गिवन है ये सेपरेबल फॉर्म में है या नहीं, यानी कि इसके वेरिएबल सेपरेट हुए हैं या नहीं, यानी कि एक्स और वाई आपस में सेपरेट हैं या आपस में मिक्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ डी एक्स भी है, डी वाई भी साथ में ही आ रहा है, और एक्स वाली टर्म्स भी साथ में ही, एक्स वाले फंक्शन भी साथ में ही, तो हम इसको सेपरेट करेंगे। ये सेपरेट कैसे होंगे, सबसे पहले मैं डी वाई और डी एक्स लिखता हूँ, और ये जो टर्म आपस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, मतलब कि ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगी, ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स हो जाएगी।
अब आप देखें कि इसके साथ ये एक्स की टर्म है, इसके साथ डी एक्स होना चाहिए, तो ये डी एक्स जो है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आकर डी एक्स हो गया और लेफ्ट साइड पे सिर्फ डी बाय बच गया। अब हम दोनों साइड्स पे इंटीग्रल फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसका इंटीग्रल और इसका इंटीग्रल, और इसका इंटीग्रल आप आसानी से फाइंड कर लेंगे, ठीक है, जो कि क्या आएगा, नीचे अगर फंक्शन कंसिडर करें ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स को, तो न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है, मतलब कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का आप डेरिवेटिव फाइंड करें क्या आता है, डी ओवर डी एक्स फाइंड करें तो क्या आता है, इसका रहता से डेरिवेटिव जो कि ई पावर एक्स ही आएगा, और ई पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव जो कि माइनस ई पावर माइनस एक्स आएगा, ठीक है, यानी कि ई पावर माइनस एक्स एज इट इज, और साथ में पावर का डेरिवेटिव जो कि -1 जो मैंने पहले लिख दिया माइनस साइन, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं न्यूमरेटर में ऑलरेडी मौजूद है, मतलब कि फंक्शन डिनोमिनेटर में और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, तो नेचर लॉग ऑफ दिस आ जाएगा, नेचर लॉग ऑफ ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स प्लस सी आप कह दें, और लेफ्ट साइड पे 1 dy है और 1 का इंटीग्रल y होता है, y इज इक्वल टू दिस आ गया, मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी हमारा जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, जो हमने फाइंड करना था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर कर लिए क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ मैंने स्किप किए बीच में जो आसान थे वो मैंने स्किप कर दिए, तो यहाँ पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे।